देखिए हरियाणा के 90% खिलाड़ी और गार्जियन भारतीय कुश्ती संघ के ऊपर भरोसा करते हैं और विश्वास करते हैं। ये एक चंद परिवार है, जैसे एक चंद परिवार है, और जितनी लड़कियां निकल करके आई हैं आरोप लगाने वाली, वो एक ही अखाड़े की हैं, एक ही अखाड़े की हैं। और कल बजरंग पूनिया ने ये सवाल किया था कि हमको कैसे पता चला कि वो एक ही अखाड़े के हैं, क्योंकि हमको नहीं सारी दुनिया को पता है, महादेव रेसलिंग एकेडमी की ही सारी लड़कियां हैं, और जिस एकेडमी के कर्ता धर्ता संरक्षक दाता सब कुछ जो है दीपेंद्र हुड्डा है। देखिए नहीं, मैं तो क्या हूँ, पहले बैठे थे वो और उनसे वायदा किया गया था। आज जो पहलवान देश का जिन्होंने नाम रोशन किया है, जिनको स्टेडियम में होना चाहिए था, तैयारी करनी चाहिए थी आगे ओलंपिक्स की और खेलों की, वो आज जंतर मंतर में बैठे हैं और सुप्रीम कोर्ट तक गुहार करनी पड़ी उनको। उसका क्या कारण है और क्यों ऐसा हुआ, ये इतनी गहराई बात है, गंभीर आरोप हैं और उनका जांच तो पहले जांच होनी चाहिए ना गहराई से, जांच कर रहे हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए। सर बृजमोहन ने आरोप लगाए हैं कि जिन परिवार और खिलाड़ियों ने आरोप लगाए हैं वो एक अखाड़े से हैं, उनके संरक्षण दीपेंद्र हुड्डा है। खिलाड़ी हैं वो, देश का नाम रोशन, वो दीपेंद्र हुड्डा पर आरोप लगा रहे हैं। सर हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।